नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल की खीर, और जो कि बनेगी इतनी टेस्टी, इतनी बढ़िया कि उसके आगे रबड़ी भी फेल हो जाएगी। दैट्स माय प्रॉमिस। आइए चलिए बनाते हैं। लिए हम 2 लीटर दूध ले लेंगे, फुल फैट वाला। मैंने कच्चा दूध ही लिया है, डायरेक्ट मैं आपको थैली से डाल के दिखा रही हूँ। इसमें ये 2 लीटर मैंने दूध ले लिया है, और इसको मैंने ना, मैं ये जो खीर बना रही हूँ वो कुकर में बनाऊंगी। मोस्टली अपन लोग पतीले में खीर बनाते हैं, पर जो ये कुकर में खीर बनती है ना, इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग सा आता है, डिफरेंट आता है, और बहुत बढ़िया और बहुत जल्दी बनती है। तो मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है, फुल क्रीम, और इसके अंदर डाल दी है कुटी हुई इलायची। थोड़ी सी कुटी हुई इलायची हमने इसमें डाल दी है। अब इसी के साथ देखिए, वैसे तो इंडियन रसोई में कोई भी चीज़ नाप तोल के काम में नहीं ली जाती है, अंदाजे से सब कुछ होता है। तो 2 मुट्ठी चावल, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, थोड़ा सा भिगो रखा था 5-10 मिनट के लिए। अब मैं इसमें दूध में इसी के साथ डाल दूंगी, और इसके साथ हम अच्छे से इसको पकाएंगे। इसको हम स्टेयर करते करते पकाएंगे। अब देखिए, कुछ भी अच्छी चीज़ खानी हो तो उसमें समय तो लगता है, इसमें भी टाइम लगेगा, पर जो बन के निकलेगा ना आउटपुट, बहुत टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस निकलेगा। चलिए मेरे साथ बनाइए और देखिए। इस खीर में देखिए थोड़ा थोड़ा उबाल आने लग गया है। अपन इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कि दूध नीचे ना लगे। और जब दूध डालेंगे ना, अगर आप कच्चा दूध यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए नीचे, जिससे तली में दूध चिपके ना। कई लोग तो पका हुआ दूध यूज़ करते हैं, मतलब उबाला हुआ आया हुआ दूध, रूम टेम्परेचर पे दूध लेते हैं। अपन कच्चा दूध यूज़ कर रहे हैं, तो अपन इसके अंदर पहले पानी डाल देंगे, फिर दूध डाल के फिर पकाएंगे इसको। तो अपन मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे, और बीच में अगर हम हिला ना पाए या जगह से हट रहे हों, तो हम इसके ऊपर एक ऐसे लकड़ी का कोई भी चम्मच वगैरह रख देंगे, जिससे कि दूध निकल के बाहर नहीं आएगा। ये 45 मिनट करीब हो गए हैं मेरे को अपने दूध के साथ अपने चावल को पकाते हुए। अब ये बिल्कुल चावल और दूध बराबर आ गए हैं। अब मैं इसमें अपनी 1 कटोरी चीनी डाल दूँगी। आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा मीठा रखना चाहते हो तो ज़्यादा मीठा रखिए, अगर कम खाते हो तो कम भी डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी बनेगी खीर, और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि अपन रबड़ी खा रहे हो, क्योंकि ये थोड़ी अपन अच्छे से पकाते हैं ना खीर को, तब उसमें टेस्ट अपने आप ही बहुत अच्छा आने लग जाता है, मीठे की भी कम ज़रूरत पड़ती है। चीनी स्किप करना चाहें तो मिश्री को पीस के भी डाला जा सकता है। अब इसमें इसी के साथ मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। इसमें ये मैंने थोड़ा बादाम, काजू, पिस्ते चॉप करके रख लिए थे भिगो के, ये भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, और थोड़ी किशमिश और चिरौंजी। चीनी घुल जाए, बस 5 मिनट हम इसको और पकाएंगे, और हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितनी गाढ़ी, बिल्कुल रबड़ी जैसी हमारी खीर बनके रेडी है। अब आप इसे या तो गरम गरम खाइए, या एक दिन फ्रिज में रखिए और ठंडा करके खाइए, और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।